पता नहीं फ्रॉडर्स को क्या मेरे से दुश्मनी है कि हर बार मेरे ही मोबाइल पे, मेरे ही व्हाट्सएप नंबर पे, कभी कभी टेक्स्ट मैसेज पे हमेशा मुझे ही ऐसा मैसेज क्यों आती है पता नहीं। जबकि आपको पता है कि इस रिलेटेड मैसेज आना मेरे लिए बहुत ही बेटर होती है क्योंकि मुझे एक कॉन्टेंट मिल जाती है आपको देने के लिए। तो एक तरफ से मेरे लिए फायदे ही है, बट ये उनको नहीं पता, उनको लगता है कि मैं कभी ना कभी उनके जाल में फंस जाऊंगा, बट ऐसा बात नहीं है। तो आज क्या हुई मेरे साथ, मैं आपको सामने डिस्कशन करने वाला हूँ। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए बढ़ते हैं फटाफट हम लोग वीडियो की ओर। एंड आगे बढ़ने से पहले इंट्रो तो कंपलसरी है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है आपका टेक डी टू के एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो एक्चुअली हुआ क्या, कल दोपहर को मेरे पास एक मैसेज आई व्हाट्सएप पे। जी हाँ, व्हाट्सएप पे एक अननोन नंबर से मैसेज आई। उसमें क्या था, एक मेरे पास फोटो आई है, साथ ही साथ एक उसमें ऑडियो क्लिप भी आई है। तो फोटो क्या थी, वो फोटो आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये फोटो है जिसमें उन्होंने बता रहा है कि मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है ये लक्की नंबर पे चुना गया है, जो कि केबीसी की ओर से है, और इसमें क्या है, मुझे लॉटरी लगी है। जी हाँ, आप पूरी की पूरी देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद मैं इस इमेज के बारे में बताता हूँ, फिलहाल आप पूरी इमेज को देख लीजिए। मैं इमेज को आप बड़ा करता हूँ, आप थोड़ा इमेज को देखिए। इसमें बहुत सारी चीज है, अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत सारी चीज इसमें आपको फॉल्ट मिलेगी। सबसे पहली बात तो इसी में मुझे पता चलेगी कि ये पूरा पूरी ठगी हो रही है। तो इसमें क्या है, सबसे पहला अगर आपको नजर जा रही है तो कॉन्ग्रेचुलेशन का स्पेलिंग आप देखिए। कॉन्ग्रेचुलेशन का जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग पूरी की पूरी मिस्टेक है। कॉन्ग्रेचुलेशन स्पेलिंग कभी ऐसा नहीं होती है। इसके साथ ही साथ आप अगर नीचे आओगे एकदम लाइन पे, लास्ट लाइन पे, जो वहां पर आप जहाँ पर नोट लिखा हुआ हो उसके बगल में आप देखो, उस जगह पे लिखा हुआ है डिलीवर। तो डिलीवर का स्पेलिंग भी देख पा रहे हो आप, इस जगह पे गलत है। तो फिलहाल ये दो फॉल्ट मुझे नजर आई। साथ ही साथ थोड़ी अच्छी बनाने की कोशिश किया गया उन लोगों के द्वारा, जो थोड़ा पोस्टर को अच्छा बनाया जाए, ओरिजिनल लगे, बट मेरे आंखों से तो ये छूटने वाली है नहीं। मैं हमेशा कोई भी चीज आता हूं तो मैं बड़े ही उसको ध्यान से पढ़ता हूं। इसके बाद मैं थोड़ी देर बाद मैं आपको ऑडियो क्लिप स्टार्ट करूंगा, ऑडियो क्लिप आपको सुनाऊंगा कि ऑडियो क्लिप में क्या आई थी, क्या वो बोलना कोशिश कर रहे थे ऑडियो क्लिप के जरिए। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, वो बोल रहे थे कि आपको क्या हुआ, आपका जो नंबर है लकी ड्रॉ पर चुना गया है, जिसमें आपको प्राइज मिलेगी, जो कि कितने की थी, शायद 22 लाख या 25 लाख कुछ ऐसा थी शायद, मेरे दिमाग से आउट हो रही है, मुझे याद नहीं आ रही है। तो फिलहाल ऑडियो क्लिप जब मैं प्ले करूंगा तो आप सुन लोगे। तो उतनी जो थी उसमें अमाउंट मुझे, मैं जीत चुका हूं, और ये क्या होगी, मेरे अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाएगी। मुझे एक जो उनका जो मेन नंबर है, जहां पर जो मैंने पोस्टर दिखाया उस पे जो नंबर था, उस नंबर पे मुझे कॉल करने पड़ रहा था, उनसे बातचीत करने पड़ रहा था। तो मैंने ना ही कॉल किया ना ही बातचीत किया, क्योंकि खुद के काम से इंसान को फुर्सत नहीं। मुझे तो पूरी तरह पता चली गई, पूरी फेक है, तो मैं और ज्यादा कॉल करके इनसे बहस नहीं कर सकता था। और हाँ, मैं चाहूँ तो कर सकता था कॉल इनको, कॉल करने के बाद इनसे सारी डिटेल्स पूछ सकता था और एक मेरी वीडियो कॉन्टेंट बन जाती, बट मुझे सही नहीं लगी। जो लोग भेज रहे भेजने दीजिए, मैंने क्या नंबर को ब्लॉक पे कर दिया। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूं ये। उसके पहले आप ऑडियो क्लिप सुनिए। हेलो नमस्कार, मैं अंजलि शर्मा बात कर रही हूं, कौन बनेगा करोड़पति डिपार्टमेंट से। ऑल इंडिया ऑल सिम कार्ड पर व्हाट्सएप लॉटरी करवाया गया था, जिसमें आपका भी व्हाट्सएप नंबर सिलेक्ट हुआ है। आपके व्हाट्सएप नंबर पर 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। आपको और आपके परिवार को बहुत-बहुत बधाई हो। आपका लॉटरी का पैसा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर हो चुका है। इसकी पूरी जानकारी के लिए आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको लॉटरी का एक टिकट पेपर सेंड कर दिया है, उसके ऊपर एक लॉटरी नंबर लिखा हुआ है और नीचे बैंक मैनेजर का व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है। ये व्हाट्सएप नंबर सबसे पहले अपने मोबाइल में सेव कीजिए और व्हाट्सएप पर ऐड कीजिए और उन्हें ऑनलाइन व्हाट्सएप से वॉइस कॉल कीजिए। केवल वॉइस कॉल लगेगा, नॉर्मल या डायल कॉल नहीं लगेगा। ये आपको जानकारी देंगे कि आपकी लॉटरी कैसे लगी है और आपको पैसा कैसे मिलेगा। अभी तुरंत इस नंबर पर व्हाट्सएप से वॉइस कॉल कीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। हाँ, तो जैसा कि सुना आपने, तो अब इस वीडियो के जरिए मैं आपको सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप पे भी आजकल ऐसे फ्रॉडर्स के बहुत सारे फ्रॉड आ रही है, बहुत सारे ऐसे कॉल्स वगैरह या तो मैसेज वगैरह या तो वॉइस कॉल्स वगैरह आ रही है। साथ ही साथ आपने उस जो मैंने ऑडियो क्लिप प्ले की उसमें आपने एक बात नोटिस किया होगा, जो उन्होंने कहा कि आपको क्या जो नंबर है उस नंबर पर आप सिर्फ व्हाट्सएप वॉइस कॉल करो या तो वॉइस मैसेज भेजो, आप ऐसे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते हो। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, नंबर है तो नंबर पर तो मैं कॉल कर सकता हूँ, बट उन्होंने ये मना किया। वो बोल रहे कि व्हाट्सएप उसे वॉइस भेजो, जैसे उन्होंने वॉइस मुझे भेजो वैसे वॉइस भेजो। तो इसी में आपको पता चल जाती है पूरी तरह फेक रहती है। अगर सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए आप कोई भी चीज जीतते हो तो आपके पास व्हाट्सएप बहुत ही कम आती है, ज्यादातर आपके पास मेल आती है या तो फिर आपके पास डायरेक्ट कॉल आती है। ये व्हाट्सएप वाला सिस्टम ही बहुत ही बेकार वाला होती है, जो कि हमेशा से ये जो भी फ्रॉडर्स रहते हैं वही ज्यादातर इसको यूज करते हैं। तो बहुत इसमें फंस भी जाते हैं। मतलब मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे तो अच्छी तरह से पता थी, जब ये बात मैंने अपने घर में बताया तो मेरे जो पेरेंट्स थे वो बिल्कुल ही राजी हो गए। तो वो बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होता, फ्रॉडर्स नहीं है, देखो कोई हो सकता है ओरिजिनल आया होगा, कुछ रियलिटी है। जब मैंने उनको बताया कि नहीं रियलिटी नहीं है, ऐसा ऐसा इस जगह पे ये प्रॉब्लम है, तब जब उनको विश्वास हुई, नहीं तो वो लोग तो पूरी तरह विश्वास कर चुके थे। तो वही मैं सोच रहा था, अगर ये मेरे जगह पापा के मोबाइल पे आता व्हाट्सएप पे तो वो तो पूरी तरह विश्वास कर लेते।
ऐसे ही आप में से भी बहुत कोई होंगे मेरे ऑडियंस जो इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो। तो जी इसको विश्वास करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से आपको पता है जैसे वीडियो के माध्यम से आपको मैं आगाह करते रहता हूँ कि ऐसे ऐसे फ्रॉडर्स जो है नए नए तरीके खोजते हैं इंसान से पैसे लूटने का, जो कि बहुत जगह वो लोग अगर 100 पीपल के पास टारगेट रखते हैं तो कम से कम एक दो बंदे को लूट ही लेते हैं। तो मेरा मकसद है जो 100 आदमी में से 100 आदमी को वो ना लूट पाए, एक भी बंदे को ना लूट पाए वो। तो इसके जरिए कैसे होगा ना, इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को आप लोग का फर्ज बनता है कि इतना फैलाओ ये सारी चीज़ों को, ताकि हर किसी के पास ये नॉलेज रहे, हर किसी के पास ये पता चल सके कि ये चीज़ फ्रॉडर्स है। फिलहाल आजकल के जो हम लोग यंगस्टर है इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई जानते हैं कि ये सारी चीज़ें फेक होती है। बट जो भी हम लोग को पेरेंट्स, हम लोग का गार्जियन, वो सब चीज़ें इन सब चीज़ों को बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेते हैं। खास करके मिडिल क्लास फैमिली जो होती है बहुत ही जल्दी विश्वास करते हैं। पता नहीं दिमाग में एक लॉटरी वगैरह सेट रहती है, जो लॉटरी लग गई है पैसा लग गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उनको सेट रहता है। तो ये चीज़ दिमाग से हटाना है, क्योंकि यही सब चक्कर में क्या होता है, बहुत सारे जगह आपको ऐसा न्यूज़ मिलती होगी, आए दिन ऐसा न्यूज़ आती है कि कहीं इतने पैसा उड़ा ले गया, किसी का इतना पैसा उड़ा ले गया फ्रॉडर्स। और अगर आप इस वीडियो के जरिए सचेत हो रहे हो, अगर आपको सीखने को मिल रही है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इसको शेयर जरूर कर सकते हो, ताकि वो लोग इस झांसे में ना पड़े और उनको भी पता चल सके कि ऐसा ऐसा फ्रॉडर्स है बैठे हुए, ऐसा ऐसा फ्रॉड हो सकती है उनके साथ भी। तो फ्रॉड से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई हुई है, आप मेरे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। फिलहाल उसका लिंक भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट पे जाके बहुत सारे फ्रॉडर्स से रिलेटेड मेरे वीडियो बनाए, तो सारी वीडियो को आप देखो, वॉच करो पूरी, तो आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे कैसे फ्रॉडर्स है यहाँ पर, साथ ही साथ मेरे साथ कितने ज़्यादा फ्रॉडर्स होते रहते हैं आजकल। मतलब मेरा आए दिन ऐसे होती रहती है, कभी ये फ्रॉड, कभी वो फ्रॉड, कभी इसके मैटर पे कभी मैसेज आया, कभी वो चीज़ के लिए मैसेज आया। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ फ्रॉड से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, मतलब इतने मेरे पास ज़्यादा मैसेज आती है कि मैं फ्रॉड से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, तो मैं पर डे मुझे 5-6 वीडियो मेरा कॉन्टेंट मिल जाएगा अगर फ्रॉड से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ तो। बट मैं उन सब चीज़ों को, टॉपिक को छाटता हूँ जो कुछ यूनिक हो, कुछ यूनिक टाइप का फ्रॉड हो। तो बस ये भी एक यूनिक टाइप का फ्रॉड था, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना कंपलसरी है, ताकि आप सचेत रहो और इन सब झांसों में ना पड़ो। और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से अगर फ्रॉडर्स जो है, जो मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी अगर देख रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई आप लोग मेरे पास मैसेज भेज रहे हो बिल्कुल ही गलत कर रहे हो। आप दूसरे बंदे को भी देखोगे तो भी एक अलग बात है, बट मेरे नज़रिया बहुत बहुत ही अलग है। ये सब चीज़ों में विश्वास मुझे बहुत जल्द होता नहीं है, साथ ही साथ ये सब चीज़ मैं इतना ज़्यादा लाइफ में झेल चुका हूँ कि ये सब चीज़ मेरे पास कुछ मायने ही नहीं रखती है। मेरे दिमाग में सिंपल एक बात सेट है कि पैसा इंसान को कभी फ्री में नहीं मिलती है। आप मेहनत करोगे तो ही आपको पैसा मिलेगी, आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपको पैसा मिलने वाली चांस ही नहीं बनती है। कभी भी ऐसा चांस नहीं होता है कि आप बैठे बैठाए आपको फ्री में लॉटरी लग गई, पैसा मिल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब तक आप मेहनत करते हो तभी आपको पैसा मिलता है, विदाउट मेहनत का जो पैसा आ रहा है उसमें जान दीजिए कुछ ना कुछ झोलझाल है, कुछ प्रॉब्लम है। तो इसलिए खासकर मेरे पैसे से मत भेजा करो, साथ ही साथ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास भी ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो भी मेरे वीडियो देखकर सचेत हो गए हैं, वो भी आपके झांसे में नहीं पड़ने वाले हैं, है ना गाइस। तो जिसको भी वीडियो अच्छी लगी मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिए, और हाँ मुझे बताइए आपकी राय इस चीज़ों में, आपकी राय क्या है कि आप भी प्रोडक्ट के कभी शिकार हुए हो नहीं हो, आपके साथ कौन कौन सा घटना हुई, आप मुझे नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हो। अगर मुझे कुछ अच्छी लगेगी तो उस रिलेटेड में एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपका प्रॉब्लम को मैं दूसरे के साथ शेयर करूंगा, ताकि उनको भी इससे कुछ सीख मिले। तो चलिए आज की वीडियो पे इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इसी तरह के ऑसम वीडियो चैनल पर हमेशा आती रहती है। मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।